हेलो दोस्तों, आपको याद होगा कभी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल भेजना हो या आखिरी मिनट में कोई फॉर्म भरना हो, आपने अपना लैपटॉप खोला और लॉगिन किया और लैपटॉप को स्टार्ट होने में 8 से 10 मिनट लग गए। आपके सिस्टम में हाई कैपेसिटी रैम और सीपीयू है पर फिर भी सिस्टम बहुत स्लो है। ये इसलिए क्योंकि आपने कभी भी अपने हार्ड डिस्क पे ध्यान नहीं दिया जो कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक डिस्क बेस्ड हार्ड डिस्क हो सकता है। ऐसे हार्ड डिस्क की रीड राइट स्पीड उस मैग्नेटिक डिस्क के घूमने की स्पीड पर डिपेंड करती है। इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही आसान सॉल्यूशन है SSD। तो आज हम ये देखेंगे कि हार्ड डिस्क को SSD से कैसे बदलें और एक फ्रेश विंडो 10 उसमें कैसे इंस्टॉल करें। तो चलिए देखते हैं। आज जो प्रोडक्ट हम देखने जा रहे हैं MX500, ये एक 2.5 इंच फॉर्म फैक्टर का हार्ड डिस्क है जिसकी राइटिंग स्पीड 560 Mbps है। ये 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है। ऐसे इसके अलावा आप दूसरे और भी कई ब्रांड यूज कर सकते हैं जैसे कि सैमसंग। अगर हम इस प्रोडक्ट को खोलें तो इसके अंदर एक रिंग, कुछ पेपर वर्क्स और ये हमारा हार्ड डिस्क है। जैसे मैंने कहा, ये 2.5 इंच फॉर्म फैक्टर का हार्ड डिस्क है विद 15+7 पिंस। वैसे तो हार्ड डिस्क खुद में एक छोटा कंप्यूटर होता है। SSD में हार्ड डिस्क की तरह कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होते हैं, ना ही कोई रिवॉल्विंग डिस्क होती है, इसलिए ये काफी तेज होता है। अब हम इसे अपने लैपटॉप में लगाएंगे, जिसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक स्क्रू ड्राइवर की, आपके पुराने लैपटॉप की और आपकी कॉलेज शेड ड्राइव की। सबसे पहले अपने लैपटॉप के बैटरी को निकाल लें। ध्यान रहे कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज सिस्टम में ना रहे, हो सके तो नीचे एक कपड़े का बेस यूज करें। इसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से अपने सारे पिंस बाहर निकाल लें। कवर हटने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, हार्ड डिस्क रैम आसानी से एक्सेसिबल होते हैं ताकि आप उसे जरूरत पड़ने पर रिप्लेस कर सकें। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो हार्ड डिस्क है ये सिस्टम से एक वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है। हमने इसके सारे चारों पिन खोल दिए ताकि ये अपने स्लॉट से हट सके। फिर बहुत ही सावधानी से किसी ट्वीजर की मदद से आप उस कनेक्टिंग कोड पार्ट को बाहर निकाल लें। आप देख सकते हैं कि एक मेटल फ्रेम में ये हार्ड डिस्क लगा हुआ है। इस फ्रेम को बाहर निकालें और क्योंकि ये वाली फ्रेम हमें आगे जरूरत पड़ेगी, 15 पिन कनेक्टिंग वायर भी अपने हार्ड डिस्क से बाहर निकालें। दोनों ही पुरानी हार्ड डिस्क और नई हार्ड डिस्क का फॉर्म फैक्टर काफी सिमिलर है। पुराने हार्ड डिस्क को साइड में रखते हैं और नए को वापस से हम फ्रेम में फिट करते हैं, 15 पिन वायर को स्लॉट में लगा के, और बड़ी ही सावधानी के साथ इसे सिस्टम से जोड़ दें। ध्यानपूर्वक सारे नट्स को उसके स्लॉट पे सही सही लगा दें ताकि ये बिल्कुल भी ढीला ना रहे। एक बार सुनिश्चित करें कि कनेक्टर सही है, उसके बाद आप कवर को वापस से लगा सकते हैं। सारे स्क्रूज को वापस से लगाने के बाद आप बैटरी कनेक्ट करके लैपटॉप को स्टार्ट कर सकते हैं। अगला प्रोसेस शुरू करने से पहले जो भी विंडो आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है उसका एक बूटेबल पेन ड्राइव बना ले। इसका डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपने लैपटॉप को स्टार्ट करने के लिए मॉडल के हिसाब से कोई भी बूट स्क्रीन वाला बटन दबाना पड़ेगा जिससे कि आपकी बूट सीक्वेंस इनेबल होगी। वहां पे आपको चेंज करके इसे पेन ड्राइव बूटेबल सीक्वेंस में डालना पड़ेगा। एक बार सिस्टम बूट होने के बाद आपके विंडो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बेसिक इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपको ये चूज करना है कि आपको एक अपग्रेड करना है या फ्रेश इंस्टॉल करना है। हमारे केस में हम एक बिल्कुल फ्रेश विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा 1 TB का हार्ड डिस्क यहाँ दिख रहा है। आप इसे फुल साइज या फिर थोड़ा छोटा यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने ड्राइव्स बनाना चाहते हैं। एक बार सीक्वेंस स्टार्ट होने के बाद ये कुछ वक्त लेगा क्योंकि ये सिस्टम फॉर्मेट कर रहा है, पेन ड्राइव से सारी चीजें SSD में कॉपी कर रहा है और फिर ये बाकी की कॉन्फ़िगरेशन प्रोसीड करेगा। एक बार सिस्टम रिबूट होने के बाद आगे की प्रोसेस बढ़ेगी, जहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करना होगा, आपको अपने वाईफाई से कनेक्ट करना होगा ताकि ये लेटेस्ट ड्राइवर्स एंड अपडेट्स ले सके, जिसके बाद ये अपने प्रोसेस आगे बढ़ाएगा। अगर आपका विंडो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ तो आप उसके थ्रू इसे ऑटोमेटिकली रीएक्टिवेट कर सकते हैं।
कुछ छोटे मोटे कॉन्फ़िगरेशन के बाद आगे बढ़ते हैं और फिनिश करने के बाद आपका सिस्टम ऑलमोस्ट रेडी टू यूज हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका सिस्टम एक दो बार रिस्टार्ट हो सकता है। जैसे ही आपका सिस्टम रेडी हो जाए तो जो बचा हुआ राइट था जिसे हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया था उसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। उसके लिए आप डिस्क मैनेजमेंट में जाएं, बचे हुए पार्टीशन को आप किसी भी ड्राइव में कॉन्फ़िगर करके उसे सिस्टम के साथ टैग कर सकते हैं, जिससे कि वो ड्राइव भी आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। और बस आपका सिस्टम रेडी है,